आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दो दिन पहले एक गहरे गड्ढे में गिरी 2.5 साल की बच्ची को निकालने के प्रयास जारी है। बचाव अभियान धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बच्ची जहां पर फंसी थी अब वहां से और नीचे खिसक कर 100 फीट की गहराई में जाकर फंस गई है। सैकड़ों सर्जरी करने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ की दिल का दौरा पड़ने से मौत। डॉक्टर गांधी के आकस्मिक निधन से शहर सदमे में। उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। डॉक्टर गांधी गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल में सेवाएं देते थे। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब प्रियंका गांधी ने संभाली एमपी और तेलंगाना की कमान। अमेरिका में फिर गोलीबारी। स्कूल कार्यक्रम के बाहर भीड़ पर फायरिंग में 2 की मौत। मुंबई में श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड। लिव इन पार्टनर ने कत्ल कर टुकड़ों में काटा शव। मुंबई के डीसीपी जयंत बजवले ने कहा कि पुलिस को मीरा रोड स्थित आकाश गंगा अपार्टमेंट के एक घर से कई टुकड़ों में कटी हुई महिला की लाश मिली है। घर में एक जोड़ा बीते 3 सालों से लिव इन में रह रहा था। पत्नी से अफेयर के शक में दोस्त की हत्या। स्कूटर से 10 किलोमीटर ले जाकर शव जंगल में दफनाया। 4 दिन से मुंबई की समता नगर पुलिस जिस 38 वर्षीय कारोबारी दिनेश प्रजापति को तलाश कर रही थी उसकी लाश 10 किलोमीटर थाने के घोड़बंदर स्थित पाली जंगल में मिली। कोल्हापुर विवाद के मामले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने लोगों से कानून को हाथ में ना लेने की अपील की है। मुगल शासक औरंगजेब का स्टेटस मोबाइल पर लगाने को लेकर फैले विवाद में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर और स्टेटस पर विवाद। कोल्हापुर में हिंसा के बाद 19 जून तक धारा 144 लागू। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई है और हम उनके पीछे असली चेहरों को ढूंढ निकालेंगे। मुंबई में पिछले 1 साल के दौरान घरों के किराए में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में मुंबई देश का सबसे महंगा शहर बन गया है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मां के साथ रोज होने वाली छेड़खानी से नाराज एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने अपने पड़ोसी की गर्दन और सर में पेचकस से वार करके हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।